प्रथम तहलका न्यूज। एक साथ के लिए बड़ी खबर गुरुग्राम से। आपको बता दें कि गुरुग्राम में बिल्डिंग के गिरने से बड़े हादसे की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिल्डिंग के गिरने से कई मजदूर अंदर दब गए हैं। बता दें कि इस बिल्डिंग को गिराने का कार्य चल रहा था और मजदूर इसी बिल्डिंग में रहते थे। बता दें कि सुबह अचानक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी और कई मजदूर इसी बिल्डिंग के मलबे में दब गए। जानकारी के मुताबिक दो मजदूरों का शव निकाला गया है तो वहीं दो लोगों को फिलहाल जिंदा निकाला गया है। राहत बचाव कार्य मौके पर अभी भी जारी है। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां सुबह अचानक एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी और कई मजदूर उसमें दब गए। बता दें कि इस बिल्डिंग को गिराने का कार्य चल रहा था और मजदूर इसी बिल्डिंग में रहते थे। सुबह अचानक ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी और बता दें कि कई मजदूर इस मलबे में दब गए, जिनमें की दो मजदूरों को तो सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया तो वहीं दो मजदूरों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं और फिलहाल मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। बड़ी खबर गुरुग्राम से। एक साथ के लिए बड़ी खबर गुरुग्राम से। आपको बता दें कि गुरुग्राम में बिल्डिंग के गिरने से बड़े हादसे की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिल्डिंग के गिरने से कई मजदूर अंदर दब गए हैं। बता दें कि इस बिल्डिंग को गिराने का कार्य चल रहा था और मजदूर इसी बिल्डिंग में रहते थे। बता दें कि सुबह अचानक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी और कई मजदूर इसी बिल्डिंग के मलबे में दब गए। जानकारी के मुताबिक दो मजदूरों का शव निकाला गया है तो वहीं दो लोगों को फिलहाल जिंदा निकाला गया है। राहत बचाव कार्य मौके पर अभी भी जारी है। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां सुबह अचानक एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी और कई मजदूर उसमें दब गए। बता दें कि इस बिल्डिंग को गिराने का कार्य चल रहा था और मजदूर इसी बिल्डिंग में रहते थे। सुबह अचानक ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी और बता दें कि कई मजदूर इस मलबे में दब गए, जिनमें की दो मजदूरों को तो सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया तो वहीं दो मजदूरों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं और फिलहाल मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। बड़ी खबर गुरुग्राम से। हम सत्य प्रकाश, सारे लोगों को दो की डेथ हो गई है और दो सही है, अभी हॉस्पिटल गए थे और एक बाथरूम में था वो भी सही है। अच्छा, एक नारा था वो भी, दो लोगों की यूपी के है इतना पता। 7 बजे के बाद बिल्डिंग अपने आप चल गई थी, गिर गई थी नीचे। आपस में खाना हम लोग बनाने जा रहे थे, 9 बजे से लेके 6 बजे तक तोड़ फोड़ होता था। दो लोग को, कहाँ के रहने वाले हैं सभी? उन्नाव जिला। अभी कितने लोग और तभी? दो लोग। अच्छा, वो भी कहाँ के? वो भी उन्नाव की। ठीक। और इस इंसिडेंट में एक जो बिल्डिंग थी जिसके कंडमनेशन का और तोड़फोड़ का कार्य कुछ मजदूर कर रहे थे, ये लोग यूपी के उन्नाव जिले के रहने वाले हैं और उनमें से अभी तक जो हमें खबर मिली है उसमें एक डेड बॉडी हम अभी निकाल चुके हैं, दो लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं और एक और आदमी है। NDRF और SDRF की टीमें यहाँ पे पहुँच गई हैं, प्रशासन ने उनको बुलाया है और वो जो एक उसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। इसको तोड़ने का वो कार्य मजदूर कर रहे थे लगभग महीने भर से और उसके बाद वो उसके पीछे की साइड ही रुके हुए थे और somehow वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और उनके ऊपर गिर गई है। इसकी एग्जैक्ट क्या रीजंस रहे इसका हम जांच करके पता करवाएंगे। अभी एक इसकी जांच कमेटी बनाई है, कोशिश करेंगे एक दो दिन में इसकी इमीडिएटली इंक्वायरी होकर के पता चल जाए और उसके बाद जो भी एक्शन होगा उस हिसाब से लिया जाएगा। हाँ, तोड़ने का कार्य जो चला हुआ था, यस, एंड इसमें जो लेबर रेलेवेंट लेबर प्रोविजंस के तहत जो भी कंपनसेशन बनता है, हमारे लेबर विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं तो इनके जो मृतक हैं या जो इंजर्ड हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको रूल्स के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। चार ही मजदूर थे इसमें? टोटल 6 मजदूर होने की न्यूज थी, 2 लोग पहले ही बाहर कहीं घूमने गए हुए थे, 4 ही लोग थे, उनमें से 2 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं, एक की मौत होने की पुष्टि हुई है और एक आदमी अभी भी फंसा हुआ है। थैंक यू।